जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सब इंस्पेक्टर सौरभ जैन और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग सब इंस्पेक्टर में। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे कि जब भी आप लोग किसी पुलिस वाले को देखते होंगे तो उसके कंधे पर स्टार या उसके कैप को देख के या उसके बैचेस को देख के आपको लगता होगा कि ये कौन है, किस पोस्ट पर है। तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि कैसे आप किसी पुलिस वाले की वर्दी को देखकर उसकी पोस्ट को पहचान सकते हो। साथ ही मैं इस वीडियो में ये भी बताऊँगा कि आप उस पुलिस वाले के काम को कैसे जान सकते हो, उसका काम क्या होता है और जो पुलिस की ऑफिशियल हायरार्की होती है उस हायरार्की में उसकी पोजीशन क्या है। आगे बढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं कि जितने भी जो ऑफिसर्स हैं, कांस्टेबल से लेकर ऑफिसर्स तक, उनकी सब एक एक फ़ोटो देख लेते हैं और उस फ़ोटो में आप सब लोग ध्यान से देखिएगा उनकी वर्दी को, उनके स्टार्स को और उनकी जो अलग अलग स्पेसिफिकेशन है उसको, और उसके बाद में एक एक करके आप सबको उनके बारे में, उनके काम के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कांस्टेबल की। कांस्टेबल पुलिस प्रशासन की नींव होता है, आधार स्तंभ होता है और जितने भी आदेश होते हैं उनका अनुपालन करने की जिम्मेदारी कांस्टेबल की होती है और सारे आदेश, जितने भी कानून हैं उन सब का पालन कांस्टेबल के द्वारा कराया जाता है। बाकी अधिकारी उसको आदेश देना और उसका पर्यवेक्षण करने का काम करते हैं, लेकिन कांस्टेबल वो सारे काम करता है। तो कांस्टेबल की पहचान ये होती है कि उसके कंधे पर कोई स्टार नहीं होता, ना ही उसके कंधे पर कोई स्ट्रिप या कोई पट्टी बनी हुई होती है। कांस्टेबल की वर्दी जो होती है बिल्कुल सादा होती है। इसके बाद इसके छाती पे जो बैज देख रहे हैं वो इनके अनुभव को बताता है, वो उनकी वरिष्ठता को बताता है और वरिष्ठता के क्रम में जैसे जैसे आगे बढ़ते जाते हैं बैचेस में उत्ती टाइप की लाइनें और स्ट्रिप बढ़ती जाती हैं। ये मैं और किसी वीडियो में बताऊंगा आपको। ये आप कांस्टेबल की वर्दी देख सकते हैं, ये महाराष्ट्र पुलिस का कांस्टेबल है क्योंकि महाराष्ट्र पुलिस में ही एक गांधी जी टाइप की एक टोपी चलती है और आप देख सकते हैं कि इनके कंधे पर कोई भी स्टार नहीं है। इसके बाद जो अगला आता है वो होता है हेड कांस्टेबल। हेड कांस्टेबल होता है उसके वर्दी के हाथ वाले पार्ट पे ये स्ट्रिप बनी होती है। इस एक ये स्ट्रिप बनी होती है और ये स्ट्रिप में तीन लाइनें, तीन खंड आप देख सकते हैं, एक दो तीन। और इसमें क्या होता है कि इसमें एक अगर कांस्टेबल और हेड कांस्टेबल के बीच का एक पद देखा जाए तो सीनियर कांस्टेबल का होता है और उसमें जो स्ट्रिप में दो खंड होते हैं। इसमें अभी आप देख रहे होंगे कि तीन खंड है, उस स्ट्रिप में दो खंड होते हैं और उसको हेड सीनियर कांस्टेबल बोला जाता है। जब कांस्टेबल को एक पर्याप्त अनुभव हो जाता है, एक निश्चित समय का अनुभव हो जाता है तो उसको सीनियर कांस्टेबल के रूप में प्रमोट किया जाता है। और हेड कांस्टेबल के यहाँ पे जो स्ट्रिप होती है उस पर तीन खंड होते हैं और यह जनरली वर्दी के जो हाथ वाला पार्ट होता है उस पर एक लाल कलर से ये स्ट्रिप लगी हुई होती है और साथ ही हेड कांस्टेबल के कंधे पर कोई भी स्टार नहीं होता है। आप नेक्स्ट फोटो में आप ये कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल का फोटो देख सकते हैं कि इसके कंधे पर कोई भी स्टार नहीं है और इसके हाथ वाले पार्ट पे ये रेड कलर की एक स्ट्रिप लगी हुई है जो बताती है कि ये हेड कांस्टेबल है। और हेड कांस्टेबल का काम क्या होता है? हेड कांस्टेबल जो होता है सामान्यतः कांस्टेबल को गाइडेंस देना और साथ में थाने या किसी विभाग में, थाने या किसी ऑफिस में ये बाबू के रूप में भी काम करता है क्योंकि इसको फील्ड का पर्याप्त अनुभव होता है। और कभी कभी अगर हम लोग थाने जाते हैं तो रिपोर्ट जो लिखता है वो मुख्यतः हेड कांस्टेबल ही होता है और हेड कांस्टेबल को वहाँ पर मुंशी भी कहा जाता है। और जो छोटे छोटे जो केस हो जाते हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन भी
करने का अधिकार हेड कांस्टेबल को होता है। साथ में जो नए अधिकारी आते हैं उन अधिकारियों को फील्ड की जानकारी देना और उन्हें एक वास्तविक प्रशिक्षण देने का काम, वास्तविक मार्गदर्शन देने का काम एक हेड कांस्टेबल का होता है। तो हेड कांस्टेबल भी कांस्टेबल की तरह एक महत्वपूर्ण पद होता है। इसके बाद हम बात करते हैं ASI की, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर या सहायक पुलिस उपनिरीक्षक। तो जो पुलिस उपनिरीक्षक या सब इंस्पेक्टर होता है ये उसका सहायक होता है और इसकी पहचान होती है इसके कंधे पर एक स्टार होना, साथ में इस पे लाल और नीले कलर के रिबन से एक पट्टी बनी होती है और ये पट्टी इंस्पेक्टर तक की रैंक वाले अधिकारियों के लिए के कंधे पर बनी होती है। अगर हम दूसरे शब्दों में कहना चाहें कि ASI से लेके और इंस्पेक्टर तक पद के जो भी अधिकारी होते हैं उनके कंधे पर स्टार के साथ साथ ये पट्टी भी लगाई जाती है। और सामान्यतः मध्य प्रदेश में जो व्यापम्स है, जो सब ASI और SI जो अधिकारी होते हैं उनकी नियुक्ति व्यापम के द्वारा की जाती है, तो व्यापम के द्वारा जो चयनित अधिकारी होते हैं उनके कंधे पर ये पट्टी लगी होती है। खैर इंस्पेक्टर एक सीधे तौर पर चयनित नहीं किया जाता और उसको अनुभव के आधार पर इंस्पेक्टर बनाया जाता है, वो अलग बात है। तो ASI की बात करें तो ASI के कंधे पर एक स्टार होता है, साथ में नीले और लाल कलर की रिबन से बनी हुई दो पट्टी लगी हुई होती हैं। और ASI भी हेड कांस्टेबल का सीनियर होता है और असिस्टेंट और जो सब इंस्पेक्टर होता है उसका सहायक होता है। और थाने की जितनी भी गतिविधियां हैं उसमें सब इंस्पेक्टर की सहायता करना, इंस्पेक्टर की सहायता करना, जो इन्वेस्टिगेशन होती है उनमें सहायता करना, जो और SI के और इंस्पेक्टर के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उनका पालन करना भी इसका काम होता है। साथ में जो थाने से छोटी जो उप थाना या चौकियाँ होती हैं कभी कभी एक असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर को उसका प्रभारी भी बना दिया जाता है, जो उस उप थाना क्षेत्र या फिर चौकी क्षेत्र में कानून व्यवस्था को देखता है। और साथ ही साथ जो नवनियुक्त सब इंस्पेक्टर होते हैं उनको मार्गदर्शन देना और व्यवहारिक ज्ञान देना भी सब इंस्पेक्टर का एक काम होता है, क्योंकि ये अधिकारी कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल जैसे एक महत्वपूर्ण पदों से जो जितने भी कानून होते हैं उनका अनुपालन कराने का वास्तविक काम करते हैं उस क्षेत्र का अनुभव होता है। और इसी अनुभव का प्रयोग ये अपने अधिकारियों को सहायता देने में और उनके आदेश का पालन करने में करता है। ये आप देख सकते हैं ये एक ASI है, इनके कंधे पर एक स्टार है और साथ में एक नीले और लाल कलर का रिबन बना हुआ है। अगली हम बात करते हैं सब इंस्पेक्टर की। तो सब इंस्पेक्टर असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का एक पद सीनियर होता है, इसके कंधे पर दो स्टार और एक लाल पट्टी और एक नीली पट्टी बनी हुई होती है। और सब इंस्पेक्टर अगर आप देखना चाहें तो ये सब इंस्पेक्टर की वर्दी आप देखेंगे तो इसके कंधे पर दो स्टार और एक नीली पट्टी और नीली और लाल रिबन से बनी हुई एक पट्टी बनी हुई होती है। सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है जो इंस्पेक्टर का सहायक होता है। सामान्यतः ये होता है कि जो इंस्पेक्टर होता है वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करता, सामान्यतः नहीं करता, वो क्या करता है कि उसके जो सहायक सब इंस्पेक्टर हैं उनको मार्गदर्शन देता है, उनको दिशा निर्देश देता है। वही कोई इन्वेस्टिगेशन करना हो, किसी कानून पालन कराना हो, जो वास्तविक जो काम होते हैं पूरे सब इंस्पेक्टर के द्वारा ही किए जाते हैं। और सब इंस्पेक्टर लगातार अपने थाना प्रभारी मीन्स इंस्पेक्टर से मार्गदर्शन प्राप्त करता रहता है, पूरे कार्य यही करता है। तो सब इंस्पेक्टर एक बहुत ही महत्वपूर्ण पद होता है और ये व्यापम के द्वारा अगर मध्य प्रदेश की बात की जाए तो व्यापम से डायरेक्ट सब इंस्पेक्टर का चयन होता है और भौंरी, भोपाल, सागर और इंदौर में इनको प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसके बाद हम बात करेंगे एक अन्य महत्वपूर्ण अधिकारी डिप्टी SP या डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में उप पुलिस अधीक्षक भी कहा जाता है। यह पुलिस की पोस्ट एक महत्वपूर्ण पोस्ट होती है जो इंस्पेक्टर से ऊपर लेवल का अधिकारी होता है और साथ ही साथ इसको कभी कभी SDOP भी कहा जाता है। सबसे पहले इसकी पहचान हम लोग देखेंगे तो इसके कंधे पर तीन स्टार होते हैं। साथ में अब आप कंफ्यूज होंगे कि तीन स्टार तो इंस्पेक्टर के भी होते हैं, लेकिन अब जब आपने ध्यान दिया गया होगा कि इंस्पेक्टर के कंधे पर
तीन स्टार के साथ में एक लाल और नीले कलर का एक रिबन भी होता है, लेकिन डीएसपी के कंधे पर वो लाल और नीले कलर का रिबन नहीं होता है। अर्थात दूसरे शब्दों में कहा जाए तो इसके कंधे पर बिना रिबन के तीन स्टार होते हैं। डीएसपी को सामान्यतः अगर डायरेक्ट रूप से देखा जाए तो डायरेक्ट मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग जो है वो एक परीक्षा आयोजित कराता है, उस परीक्षा के द्वारा एक डीएसपी को एक डायरेक्ट भी चुना जाता है। और साथ ही साथ जो सब इंस्पेक्टर से भर्ती हुआ एक अधिकारी जब अपने जीवन काल में अपने अच्छे कामों के द्वारा और अपने अनुभव के द्वारा वो इंस्पेक्टर के बाद डीएसपी भी बन जाता है तो डीएसपी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों रूप से चयनित होता है। अब क्या किया जाता है कि जिले की जितने भी जो पूरा जिला होता है उसको छोटे छोटे अनुविभागों में, पुलिस अनुविभागों में बांटा जाता है और उस अनुविभाग का जो प्रमुख होता है वो एक अनुविभागीय पुलिस अधिकारी होता है जिसको अंग्रेजी में SDOP या सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर कहा जाता है। और साथ ही साथ ये अधिकारी DSP पद से ही भर्ती होता है, DSP रैंक का ही होता है, लेकिन जब वो एक अनुविभाग का प्रमुख होता है तो उसको अनुविभागीय अधिकारी या SDOP कहा जाता है। लेकिन अगर वो किसी पुलिस के उप विभाग का प्रमुख होता है जैसे अनुसूचित जाति कल्याण या ट्रैफिक तो उसको ट्रैफिक DSP या फिर अनुसूचित जाति कल्याण DSP या फिर अन्य प्रकार से उसको DSP कहा जाता है। लेकिन जब अनुविभागीय अधिकारी के रूप में वो काम करता है तो उसको अनुविभागीय पुलिस अधिकारी कहा जाता है। DSP के काम भी बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और अनुविभाग के अंतर्गत बहुत सारे थाने आते हैं, 4 या 5 थाने, और उनके जितने भी थानेदार होते हैं वो एक SDOP के मातहत ही काम करते हैं। उन थाना प्रभारियों को मार्गदर्शन प्रदान करना, उन पर नियंत्रण रखना और उनके कामों की देखरेख करना, उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था को बनाए रखना और अपने उच्च अधिकारियों के आदेशों का अनुपालन कराना, प्रमुख परिस्थितियों में जब कोई दंगा होता है या कोई अन्य परिस्थितियाँ होती हैं तो उन उच्च अधिकारियों और जो थाना प्रभारी के बीच में एक कड़ी का काम SDOP या डिप्टी SP ही करता है। अगली बात हम करते हैं इंस्पेक्टर की। इंस्पेक्टर की पहचान ये होती है कि इनके कंधे पर तीन स्टार होते हैं, साथ में नीले और लाल रिबन से बनी हुई एक पट्टी बनी हुई होती है। और अगर मध्य प्रदेश पुलिस की बात करें तो उनके साथ में उस कंधे पर एक मध्य प्रदेश पुलिस भी लिखा हुआ रहता है। इंस्पेक्टर सबसे अगर थाना जैसे देखा जाए कि जितने भी थाने होते हैं तो थाने का जो इंचार्ज होता है उनको थाना प्रभारी एक इंस्पेक्टर को ही बनाया जाता है और इंस्पेक्टर को सामान्य भाषा में थानेदार भी कहा जाता है। और जो छोटे छोटे उपनगर होते हैं या फिर कस्बे होते हैं वहाँ पे जो थाना प्रभारी होता है या इंस्पेक्टर होता है उसको TI भी कहा जाता है। TI मतलब टाउन इंस्पेक्टर। तो टाउन इंस्पेक्टर का काम पूरे थाना क्षेत्र में जितने भी उसकी चौकियाँ हैं, पुलिस चौकियाँ हैं, जितने भी उप थाने हैं और थाना क्षेत्र, इन सब में कानून व्यवस्था बनाए रखना, कानून का अनुपालन सुनिश्चित कराना, शांति और सुरक्षा बनाए रखना, ये सभी काम इंस्पेक्टर के ही होते हैं। साथ में अगर कोई घटना होती है, कोई हत्या होती है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन कराना अपने सब इंस्पेक्टर के थ्रू, या अगर कुछ वो उसको मार्गदर्शन प्रदान करते जाना, और साथ में अगर कुछ ऐसी कंडीशन आती है तो वो खुद भी इन्वेस्टिगेशन करता है। तो ये एक थाना प्रभारी का कार्य होता है और थाना प्रभारी का काम सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर पुलिस प्रशासन में सबसे ताकतवर अगर पद माना जाता है जो वास्तविक शक्तियों का प्रयोग करता है तो वो थानेदार ही होता है, क्योंकि थानेदार के पास वो शक्तियाँ होती हैं जिनका प्रयोग वो खुद कर सकता है, जैसे किसी को गिरफ्तार करना, किसी का इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये सामान्यतः शक्तियाँ एक थानेदार एक सामान्य रूप में भी प्रयोग करता है। DSP के बाद उच्च अधिकारी ASP होता है, अर्थात एडिशनल सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक। यह जिले में सामान्यतः एक ही ASP होता है और यह SP का सहायक होता है। जो जिला होता है उसका पुलिस कप्तान SP होता है और उस SP की सहायता के लिए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की जाती है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति भी दो प्रकार से, अगर उसका चयन देखा जाए तो दो प्रकार से होता है। अगर इनडायरेक्टली देखा जाए तो इनडायरेक्टली जो DSP होता है तो DSP को प्रमोशन के बाद उसको ASP बनाया जाता है, या फिर जो
संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा जो परीक्षा आयोजित की जाती है उसमें जो आईपीएस अधिकारी चयनित होकर आते हैं तो उनको सीधे तौर पर एएसपी भी बनाया जाता है, और जिससे कि वो एसपी के साथ रहते हुए 2 या 3 साल तक उनका काम देखें, काम सीखें, एसपी से निर्देश प्राप्त करें, और साथ में ज़िले में कैसे कंट्रोल किया जाता है, कैसे कानून व्यवस्था बनाई जा सकती है उसको वो सीखें। तो एएसपी एक आईपीएस अधिकारी भी हो सकता है और राज्य पुलिस सेवा का अधिकारी भी हो सकता है। एएसपी की पहचान उसके कंधे पर एक अशोक स्तंभ होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इंस्पेक्टर से ऊपर के अधिकारियों के कंधों पर रिबन नहीं होता है, और इसी तरह से एएसपी के कंधे पर भी रिबन नहीं होता है और बिना रिबन के एक अशोक स्तंभ होता है। एएसपी का काम मैं बता ही चुका हूँ कि एसपी का एक सहायक के तौर पर काम करना, और इसके अलावा एसपी के द्वारा जो निर्देश दिए जाते हैं उसका पालन करना भी होता है। आप इसमें देख सकते हैं एएसपी महोदय हैं और इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ है और इनके कंधे पर कोई भी रिबन नहीं है। इसके बाद अगर हम देखें तो पुलिस प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद जो होता है वो पुलिस अधीक्षक का होता है, क्योंकि वो पूरे ज़िले का पुलिस कप्तान होता है और पूरे ज़िले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का उत्तरदायित्व पुलिस अधीक्षक या सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस या एसपी पर ही होता है। अब मैंने ये कहा कि पुलिस का सबसे महत्वपूर्ण पद है, तो इसका मतलब ये है कि जितने भी कानून को अगर लागू होना है तो वो ज़िले में होना है, और उस ज़िले में लागू करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो उस ज़िले के पुलिस कप्तान पर होती है, जो कि एसपी होता है, और एसपी अपने उच्च अधिकारियों से प्राप्त आदेशों को, विभाग से प्राप्त आदेशों को लागू करवाना पूरे ज़िले पर, पूरे ज़िले के जो थाना प्रभारी होते हैं और जो भी पुलिस प्रशासन होता है उस पर नियंत्रण रखने का काम भी पुलिस अधीक्षक का होता है। जो छोटे अधिकारी होते हैं, जो निम्न स्तर के अधिकारी होते हैं, निम्न स्तर मतलब जो छोटी रैंक के अधिकारी होते हैं, उनका ट्रांसफ़र करना, कुछ गलतियां होने पर उन्हें सजा देना, उनको सस्पेंड करना, इत्यादि पूरी पावर पुलिस अधीक्षक को ही पुलिस अधीक्षक को दी गई है। और पुलिस अधीक्षक जो निम्न अधिकारी होते हैं, निम्न रैंक के अधिकारी होते हैं, उनकी ACR लिखने का काम भी पुलिस अधीक्षक करते हैं। और इनकी अगर पहचान देखी जाए तो इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक अशोक स्तंभ के साथ में एक स्टार होता है। जो हम लोग अगर पहले देखा तो पुलिस जो ASP होते हैं, ASP के कंधे पर सिर्फ एक अशोक स्तंभ होता है, लेकिन जो पुलिस SP होते हैं उनके कंधे पर एक स्टार बढ़ जाता है। तो इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार होते हैं। ये इनको तो जानते ही होंगे, ये हैं बाजीराव सिंघम, और सिंघम 2 में अजय देवगन जी पुलिस SP ही बने हैं। आप देख सकते हैं इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक स्टार है, और साथ में ये गुजरात पुलिस के ऑफिसर थे, इसलिए इनके कंधे पर गुजरात पुलिस या जो भी हो लिखा हुआ है। तो इस प्रकार से SP के कंधे पर एक अशोक स्तंभ और स्टार होता है, और पुलिस प्रशासन का सबसे महत्वपूर्ण पद सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस होता है, जो वास्तविक रूप से उस ताकत का प्रयोग करता है और कलेक्टर के साथ में वो ज़िले की कानून व्यवस्था को बनाए रखने का कार्य करता है। सिंघम फिल्म में बाजीराव सिंघम गोवा पुलिस के अधिकारी थे, इसलिए इनके कंधे पर गोवा पुलिस भी लिखा हुआ था। और अगर मध्य प्रदेश देखा जाए तो मध्य प्रदेश के केस में इनके कंधे पर मध्य प्रदेश पुलिस लिखा होगा। SP का जो सीनियर अधिकारी होता है वो SSP होता है, और ये बात ध्यान देने योग्य है कि हर ज़िले में SSP नहीं होता है। जो राज्य के महानगर होते हैं, जैसे मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में भोपाल, उज्जैन, इंदौर, इन शहरों में जो पूरा कानून व्यवस्था की स्थिति थोड़ी सी ज़्यादा संवेदनशील होती है, इसलिए इन शहरों को 3 या 4 भागों में बांटा जाता है, और उस हर भाग का एक SP होता है, और उन SP को नियंत्रित करने के लिए, कोऑर्डिनेट करने के लिए और एक मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए उनका एक उच्च अधिकारी होता है, जिसको SSP या सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कहते हैं, वो होता है। इसकी पहचान होती है इसके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और 2 स्टार। ये जो पद होता है वो SSP का जो पद होता है वो SP से बड़ा और DIG से छोटा, मतलब SP और DIG के बीच का होता है, और इसका काम भी वही होता है जो एक SP का ज़िले में होता है,
और वैसा ही जो SSP होता है उसका काम जो महानगरों में होता है, बाकी जो SP हैं उनको कोऑर्डिनेट करना, कंट्रोल करना और निर्देशन और नियंत्रण का काम इनका होता है। आप देख सकते हैं कि एक SSP महोदय हैं, इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और दो स्टार हैं। साथ में एक चीज़ और ध्यान रखने योग्य है कि इस रैंक से IG जो SP रैंक से ऊपर का अधिकारी होता है उसके कॉलर पे भी एक काली पट्टी टाइप की एक बनी हुई होती है, और अगर इनके कैप पे आप ध्यान देंगे तो इनके कैप पर भी एक काली पट्टी यहाँ से बन जाती है। ये स्पेशली एक IPS की टोपी कैप होती है, देख रहे होंगे आपकी इनकी कॉलर पे भी एक वो बना हुआ है और साथ में इनकी टोपी पे भी यहाँ पे एक ब्लैक कलर की पट्टी बनी हुई होती है। तो ये महोदय SSP हैं। SSP से उच्च अधिकारी होता है DIG या डेप्टी इंस्पेक्टर जनरल या फिर पुलिस उप महानिरीक्षक। पुलिस उप महानिरीक्षक की अगर पहचान देखी जाए तो इनके कंधे पर एक अशोक स्तंभ और साथ में तीन स्टार होते हैं और साथ में कंधे पर IPS भी लिखा होता है। और एक चीज़ और आप ध्यान दें कि ASP तक के जितने भी अधिकारी होते हैं अगर वो DSP या फिर इंस्पेक्टर से प्रमोट होके बने हैं तो उन पर मध्य प्रदेश पुलिस के साथ में अशोक स्तंभ होता है। अगर कोई भी IPS अधिकारी चाहे वो ट्रेनिंग के दौरान एक थाना प्रभारी के रूप में काम कर रहा हो या SDOP के रूप में काम कर रहा हो, उसके कंधे पर स्टार या एम्बलम जो भी रहे लेकिन साथ में IPS ज़रूर लिखा होता है। मींस जो संघ लोक सेवा आयोग के UPSC की परीक्षा पास करके जो IPS डायरेक्ट IPS बना है उनके कंधे पर IPS हमेशा लिखा होता है, चाहे वो किसी भी पद पर काम कर रहे होते हैं वो IPS सेवा के अधिकारी होते हैं। साथ ही साथ एक और जो अधिकारी होते हैं जो अच्छा काम करते हैं तो उनको प्रमोट करने के लिए एक सरकार की एक और योजना भी होती है जिसमें राज्य सेवा के जो अधिकारी होते हैं उन्हें एक IPS के रूप में प्रमोट किया जाता है, और जब वो IPS के रूप में प्रमोट हो जाते हैं तो वो भी अपने कंधे पर IPS लिख सकते हैं या लिखते हैं। तो ये आप जान गए होंगे। और जो DIG महोदय होते हैं वो DIG महोदय सामान्यतः एक IPS सेवा के अधिकारी ही होते हैं, और पहले ये ASP, SP, फिर SSP और उसके बाद फिर ये DIG बनते हैं। इसके लिए क्या होता है कि पूरे राज्य को कई पुलिस संभागों में बांटा जाता है और पुलिस संभाग को पुलिस उप संभाग में बांटा जाता है, और उस संभाग का प्रमुख जो होता है वो IG होता है और IG का सहायक DIG होता है, जो DIG उस क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए और उस क्षेत्र के जितने भी जिले होते हैं उनके SP या SSP के दिशा निर्देश देना और कानून व्यवस्था बनाए रखने का कार्य DIG महोदय करते हैं। अगर मैडम के कंधों पर देखा जाए तो मैडम DIG हैं और इनके कंधों पर भी एक अशोक स्तंभ और तीन स्टार हैं, साथ में इनके कॉलर पर भी एक काली पट्टी, काली और एक सफ़ेद पट्टी बनी हुई है, और इनके अगर कैप को भी ध्यान से देखें तो इनके कैप पर भी IPS लिखा होता है और साथ में एक काली पट्टी बनी होती है। DIG के ऊपर का अधिकारी देखा जाए तो IG होता है। IG की पहचान उनके कंधे पर एक स्टार साथ में एक तलवार और एक डंडे के साथ में होती है। तलवार और डंडे क्रॉस की पोजीशन में लगे हुए होते हैं और साथ पे उनके कंधे पर IPS भी लिखा होता है। मतलब ये है कि ये अधिकारी IPS रैंक का या IPS सर्विस का होता है। DIG से ऊपर उच्च अधिकारी IG होता है जो एक रेंज का जो पुलिस रेंज का प्रमुख होता है, और उस रेंज में कानून व्यवस्था बनाए रखना, उस रेंज में जितने भी पुलिस अधिकारी हैं उनके बीच में समन्वय, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य IG का होता है। और IG की पहचान देखी जाए तो कंधे पर एक स्टार और एक स्टार के साथ में एक तलवार और एक डंडा एक क्रॉस पोजीशन में होते हैं, साथ में कंधे पर IPS भी लिखा होता है। मतलब कि ये इंडियन पुलिस सर्विस जो सेवा होती है उसके अधिकारी हैं। महोदय को देखें तो महोदय IG हैं और इनके कंधों पर स्टार, एक डंडा, तलवार, साथ में IPS भी लिखा हुआ है। कॉलर पे देखा जाए तो कॉलर पे एक काली पट्टी बनी हुई है, साथ में एक सिल्वर कलर से उस पर कुछ डिजाइन बनी हुई है, और टोपी पर भी एक काली पट्टी बनी हुई होती है। इसके बाद देखा जाए तो पुलिस का उच्च अधिकारी
डीजीपी या डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, जिसको हिंदी में पुलिस महानिदेशक कहते हैं, वो होते हैं। और साथ ही साथ एक और चीज़ देखी गई है कि कुछ अधिकारी जो लगभग डीजीपी रैंक के ही होते हैं और जिनको एडीजीपी कहा जाता है, वो भी होते हैं। उनकी रैंक सेम होती है और उनकी पहचान जो कंधे पर एक अशोक स्तंभ और एक तलवार और डंडे क्रॉस पोजीशन में, साथ में आईपीएस लिखा होता है, चाहे एडीजी हो चाहे डीजी हो, उनकी पहचान लगभग सेम होती है। आपने देखा होगा कि आईजी के कंधे पर अशोक स्तंभ की जगह एक स्टार था और तलवार और डंडा क्रॉस पोजीशन में था, लेकिन जो डीजीपी होते हैं, डीजीपी के कंधे पर एक स्टार की जगह एक अशोक स्तंभ होता है और डंडा और तलवार क्रॉस पोजीशन में होती है। और अगर हम बात करें कि एडीजीपी और डीजीपी में क्या अंतर है, तो पुलिस विभाग को कई उप विभागों में बांटा गया है, क्योंकि पुलिस विभाग इतना डाइवर्स है और इसके काम इतने आज के समय में इतना चुनौतियाँ जब इतनी बढ़ गई हैं, तो काम इतने बढ़ गए हैं, तो उसको कई उप विभागों में बांटा गया है। जैसे ट्रेनिंग सेंटर, हर ट्रेनिंग सेंटर, कुछ कुछ ट्रेनिंग सेंटर के भी एक प्रमुख बनाए गए हैं। जैसे अगर आरएपीटीसी इंदौर की बात करें, तो उसका जो प्रमुख होता है वो एडीजी होता है, तो वहाँ भी एडीजी महोदय उनके प्रमुख हैं। जो पुलिस हाउसिंग बोर्ड है, उसके प्रमुख भी एक पुलिस उप महानिदेशक रैंक के अधिकारी हैं। और जो पुलिस महानिदेशक होता है, पूरे राज्य के पुलिस प्रशासन का मुखिया होता है, और राज्य में पुलिस प्रशासन के संबंध में निर्णय लेना, पूरे राज्य में कानून व्यवस्था को बनाए रखना, राज्य में जो अधिकारी होते हैं उनके उनका निर्देशन, नियंत्रण और समन्वय करना, पूर्ण अधिकार पूर्ण रूप से पुलिस महानिदेशक महोदय में समाहित होते हैं। अगर हम लोग देखें तो ये सर आईपीएस सागर जी एक टेक्निकल एडीजी हैं और इनके कंधे पर भी एक अशोक स्तंभ और तलवार तथा डंडा क्रॉस पोजीशन में है। और सर भी सर डीजीपी हैं, और लेकिन डीजीपी और एडीजीपी इनके कंधों पर जो स्टार या जो एम्बलम की पोजीशन है, उसमें लगभग कोई भी अंतर नहीं है। तो आप ये समझ रहे होंगे, सर के कंधे पर भी एक अशोक स्तंभ और डंडा तलवार क्रॉस पोजीशन में है, कॉलर पे भी एक काली पट्टी लगी हुई है और जो कैप है उस पर भी काली पट्टी लगी हुई है, और जो डीजीपी महोदय हैं उनकी भी जो यूनिफॉर्म है लगभग सेम है और उनकी रैंक भी सेम होती है, बस थोड़े से काम का और वर्क का अंतर होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई आपका डाउट है या इसमें बताने में कोई मिस्टेक हुई हो, तो आप ज़रूर कमेंट करके बताएं, और मैं आगे भी इसी टाइप के वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। और मैं जल्द ही एक जनरल नॉलेज की क्लास स्टार्ट करने वाला हूँ, जिसमें एक पूरा लेक्चर होगा, जिसमें ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स और जो अदर सब्जेक्ट होते हैं उन पे, हर टॉपिक पे मेरी एक स्पेसिफिक क्लास होगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ऐसा ज्ञान आपको मिलता रहे, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।